हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नेम था सिंपल इक्वेशन, और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर रहे थे, और इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे फोर्थ पार्ट और उसके आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल की वैल्यू भी दी हुई है। हमें इस वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल आएंगे तो हम यस लिखेंगे, और नहीं आएंगे तो नो लिखेंगे। देखिए, जैसे मैं फोर्थ पार्ट करके बताता हूँ आपके लिए, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 7, ये फोर्थ पार्ट में हमारे लिए लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना है LHS क्या है और RHS क्या है। तो आप देखेंगे एक्स माइनस 7 LHS है और 1 हमारा RHS है। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 7, क्लियर। अब x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 7, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे, क्लियर। तो 7 माइनस 7 हमारा हो जाएगा बच्चों 0। तो LHS हमारा क्या आ गया, LHS हमारा आ गया 0, क्लियर। अब हम बात करते हैं RHS की। जब आप RHS देख रहे हैं इक्वेशन में, अगर हम इक्वेशन में RHS देखें तो वहां पे RHS हमारे लिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो RHS की वैल्यू तो हम और ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब हमने सिंपलीफाई किया तो LHS की वैल्यू 1 आ गई, और सॉरी 0 आ गई, और RHS की वैल्यू हमारी आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नो। तो x की वैल्यू 7 हम मींस x की वैल्यू 7 नहीं है क्योंकि इसके लिए वो सेटिस्फाइड कर ही नहीं पा रही है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो, क्लियर। इसके पहले के पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं ये सारे, क्लियर। अब हम कोशिश करते हैं बच्चों एक बार इसको डायरेक्ट करने की। आपको मैंने प्रोसेस बता दी है, एक बार हम कोशिश करते हैं कि क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू उन्होंने बोली है 8, कह रहे कि x की वैल्यू क्या डाल दो, 8। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर देता हूँ, इस x की जगह मैं 8 पुट कर देता हूँ, तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, और 8 माइनस 7 होता है मेरा 1। तो LHS मेरा 1 आ जाएगा, और RHS तो ऑलरेडी मेरा 1 है, तो 1 और 1, LHS भी 1 और RHS भी 1, दोनों 1 की इक्वल आ रहे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, यस। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक और बार अच्छे तरीके से इलेबोरेटेड फॉर्म में करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा फिफ्थ पार्ट, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 8, x माइनस 7 इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज 1, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने बोली है 8। LHS अगर हम देखें तो है, ये है हमारा x माइनस 7, और RHS अगर हम देखें तो वो है हमारा 1। अब x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 8, 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा मेरा, 8 माइनस 7 हो जाएगा मेरा 1, और RHS तो मेरा ऑलरेडी क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है आपको, तो LHS मेरा 1 आ गया और RHS भी मेरा 1 आ गया, क्लियर। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, और ये हम ऑलरेडी फाइंड करते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कर लें, और एक तरीका है आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लें, क्लियर। तो दोनों ही तरीके बेस्ट है, आपके टीचर जिस फॉर्म में करवाए आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ जाते हैं बच्चों सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट है 5x = 25 और x की वैल्यू हमें रखनी है 0, क्लियर। देखिए मैं लिखता हूं, इट इज सिक्स्थ पार्ट, 5x = 25 और x वी हैव टू पुट x = 0, क्लियर। तो सबसे पहले आप देखिए LHS जो है मेरा वो 5x है, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 5 का तो मैं 5 लिखूंगा, और x जो लिखा हुआ है, x जो हमारा लिखा हुआ है, देखिए 5x लिखा है, तो अगर आप 5x को लिखना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इस तरीके से भी 5x को लिख सकते हैं।
और x की वैल्यू क्योंकि जीरो है तो 5 मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगा, और 5 जीरो जो होता है हमारा जीरो, तो LHS हमारा क्या आ गया, जीरो। अब हम बात करते हैं RHS की। अगर हम RHS इक्वेशन में देखें, RHS अगर मैं इक्वेशन में देखूं तो वो क्या दिया हुआ है, 25। तो LHS जीरो आ गया और RHS हमारा आ गया क्या, 25। क्या LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल है, तो नहीं है, LHS जीरो है, RHS 25 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, नो आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे हमें लिखना रहेगा नो। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट में लिखा है 5x equals to 25 और x की वैल्यू 5। ठीक है, सेवेंथ पार्ट पे आते हैं। 5x equals to 25 और इन्होंने बोला कि x की वैल्यू रख के देखो 5। तो फिर से हम वही बात करते हैं, जब हम LHS देखते हैं तो 5x है, और RHS जब हम देखते हैं राइट हैंड साइड देखते हैं तो वो 25 है। क्लियर? LHS और RHS। अब इसको हम सॉल्व करते हैं LHS को सबसे पहले। तो 5 का तो 5 मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर ये 5x लिखा है इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, और x की वैल्यू इन्होंने क्या बोली हमसे रखने के लिए, 5। तो x की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ। क्लियर? और 5 जो होता है मेरा 25। तो LHS मेरा कितना आ गया, 25। RHS अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी वो 25 है, RHS भी मेरा 25 है, तो LHS भी 25 और RHS भी मेरा क्या, 25। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, LHS equals to RHS। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट में हमें क्या लिखना है, यस लिखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों इसका एट्थ पार्ट पर। देखिए इसका मैंने एट्थ पार्ट नीचे लिख दिया है, और एट्थ पार्ट अब जब आप कॉपी में मीन्स बुक में देखेंगे तो ये दिख रहा है आपके लिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5x equals to 25 और x की वैल्यू -5 डालने के लिए बोल रहे हैं। जब हम LHS देख रहे हैं तो 5x दिख रहा है, और RHS जब आप देखेंगे तो RHS हमारा कितना दिया हुआ है, 25 ही दिया हुआ है। अब 5x को आप लिख सकते हैं 5 into x। क्लियर? 5 की जगह मैंने 5 लिखा, और x की जगह आपको क्या लिखना है, -5। क्लियर? इससे पहले वाले पार्ट में आपको 5 लिखना था x की जगह, अब यहाँ पे आपको -5 लिखना है। अब क्योंकि -5 लिखना है तो आप बेटर है कि ब्रैकेट में लिखें। क्लियर? अब स्टिल 5 जा तो होता है हमारा 25, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। तो फाइनल जो आंसर आएगा LHS का वो हो जाएगा मेरा -25। अब RHS जब आप देख रहे हैं तो RHS को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, RHS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 ही दी हुई है। तो क्या -25 और +25 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते बच्चों। अगर माइनस साइन लिखा हो और पॉजिटिव साइन लेकिन नंबर सेम हो, उसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें। तो LHS और RHS यहाँ पे इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, इक्वल्स टू बनाया और ये ऐसे कर दिया, नॉट इक्वल्स टू। क्लियर? LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नो। तो एट्थ पार्ट हमारा क्या आएगा बच्चों, नो। इसके मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं देखिए टेबल में। क्लियर? जो भी हमने कर चुके हैं, एट्थ पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों नाइन्थ पार्ट पर। अगर आप नाइन्थ पार्ट देखेंगे तो m by 3 equals to 2, पहले मैं लिख देता हूँ, आई थिंक इट इज नाइन्थ पार्ट, यस, m by 3 equals to 2, और इन्होंने बोला है कि m की वैल्यू लो -6, है ना, m की वैल्यू इन्होंने बोला है -6। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं LHS पे। तो LHS है हमारा m अपॉन 3, और x की और RHS जो है वो इन्होंने बोला है क्या है, 2। अच्छा, m की वैल्यू देखिए, वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ कैसा भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से ये वेरिएबल कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x के फॉर्म में हो। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, m की जगह पर क्या रखना है, -6 रखना है, क्योंकि इन्होंने वैल्यू दे करके रखी है, और अपॉन 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। कैसे, देखो 3 और 6 दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है। अगर आपको इस तरीके से भी समझ में ना आए तो आप इस तरीके से डिवाइड भी करके देख सकते हैं 6 और 3 को, 3 2 जा
सिक्स, मैं साइड में करके ही बता देता हूँ, टू हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टू, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो माइनस साइन है ना, ये भी आपको लिखना होगा। तो एल एच एस हमारा कितना आ गया बच्चों, माइनस टू, और आर एच एस तो हमारा ऑलरेडी टू है, तो स्टिल ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं? माइनस टू के इक्वल होता है क्या प्लस टू? नहीं होता है, दोनों के साइन डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। क्लियर? एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर ये हमारा एक नो होगा, सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ पार्ट हो गया, अब हम आ जाते हैं टेंथ पार्ट पर। m by 3 equals to 2 और m equals to 0 इन्होंने लिखने के लिए हमसे बोला है। तो 10th part m upon 3 equals to 2 और इन्होंने बोला कि m की वैल्यू डाल दो 0। सबसे पहले अगर हम देखें तो LHS लेते हैं, LHS है m upon 3 और RHS है हमारा 2। क्लियर? पहले m की वैल्यू क्या पुट करनी है हमारे लिए, 0, तो m की जगह 0 upon 3। अब जीरो के नीचे कोई भी वैल्यू होती है उसका हमेशा आंसर जीरो आता है, जैसे जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, इसी तरीके से जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करो तो भी जीरो आता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है। एलएचएस जो है वो जीरो आ गया, आरएचएस अगर हम देखें तो वो आ रहा है हमारा क्या, टू। आरएचएस आ रहा है हमारा टू और एलएचएस आ रहा है हमारा जीरो, तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू RHS, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, नो हो जाएगा। तो 10th वाले पार्ट का भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, नो आएगा। ये आपको साथ में ट्राई करना है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं लास्ट पार्ट जो कि है 11th पार्ट। 11th पार्ट है m upon 3 equals to 2 और m की वैल्यू कह रहे हैं कि 6 रख के देख लो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 11th पार्ट, आई थिंक इट इज 11th पार्ट, यस। सो m upon 3 equals to 2 लिखते हैं हम, m upon 3 equals to 2 और m की वैल्यू इन्होंने बोला कि 6 पुट करो। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सॉल्यूशन लिखते हैं, क्लियर? तो LHS है हमारा m upon 3 और RHS है हमारा 2, RHS है हमारा 2। इन्होंने बोला m की जगह 6 रख दो, तो 6 upon 3 बन जाएगा क्योंकि इस m की जगह हमें 6 रखना है, और 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अभी अभी हमने जस्ट इससे पहले किया है क्योंकि 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, बस 2 बच रहा है तो 2 आ जाएगा LHS। क्लियर? आ जाते हैं हम RHS पे। तो RHS तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 2, देखिए ये 2 है, इसको तो हम और ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। तो क्योंकि LHS और RHS हमारे इक्वल आ रहे हैं, देखो LHS भी 2 और RHS भी 2, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, यस। तो हमें ओवरऑल क्या लिख देना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें लिख देना है यस। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोज की, इस कंप्लीट चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी। जितने भी हम चैप्टर कवर आउट कर सकते हैं कर रहे हैं, और हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी हर वीडियो में। उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर की वीडियोस और कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।